ਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪੀਐਮ ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਜੁੜੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਯੂਕੇ ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਧੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਮਾਮਲੇ। ब्रिटेन च बीते साल भारतीय मूल के ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनन का ज्यादातर भाईचारे ने स्वागत किया, पर गोरे कट्टरपंथी अजे भी सुनक के प्रधानमंत्री बनन के खिलाफ हैं। प्रतिष्ठित ब्रिटिश फर्म इप्सो के एक सर्वेखन अनुसार दस दिए 8% गोरे कट्टरपंथी अजे भी मानते हैं कि असल ब्रिटिश होने लिए गोरा होना जरूरी है। 9% का मनना है कि उन्होंने चंगा नहीं लगता कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री गोरा नहीं है बल्कि भारतीय है, तो यह गल उन्होंने पौंदी नहीं है। ब्रिटेन च नक्सलवाद ते तुहानूं इह उदाहरण भी दस दिए, जदों बकिंगम पैलेस च होई नक्सलवाद की घटना ने दुनिया भर में सुरखियां बटोरियां सन। बीते साल बकिंगम पैलेस च एक समागम दौरान प्रिंस विलियम की गॉडमदर लेडी सुसान हसी ते नक्सलवाद का दोष लाया गया सी। लेडी सुसान क्वीन एलिजाबैथ II की सहयोगी रह चुकी है। उसने ब्रिटेन के काले चैरिटी वर्कर नगोजी फुलानी ते नक्सली टिप्पणी की सी। नगोजी फुलानी लंडन के चैरिटी सिस्टर स्पेस की फाउंडर सन। मामला भग गया तो हसी नू अस्तीफा देना पिया। बकिंगम पैलेस ने भी इसकी निंदा की सी, ते अस्तीफे तो बाद प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी नक्सलवाद से अपनी चुप्पी तोड़ी सी। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी अपनी जिंदगी के शुरू में नक्सलवाद का सामना करना पिया। उन्होंने कहा कि बचपन में उन्होंने जो भी अनुभव हुए थे, लगता नहीं कि अज किसी को भी अजिहा अनुभव होगा क्योंकि देश हुण इस तो अगे निकल चुका है। हालांकि सुनक ने नक्सलवाद की इस घटना या ब्रिटिश राजशाही से सीधे तौर पर टिप्पणी नहीं की थी। तुहानू दस दिए जानकारी अनुसार ब्रिटेन में भारतीयों के वध रहे दबदबे कारण गोरे नक्सलवादी अंग्रेज परेशान हो रहे हैं, या सीधे सीधे कह सकते हैं कि उन्होंने बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भारतीय साडा पीएम किवें बन सकता है। जदों तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बने हैं, नक्सलवाद समर्थक अंग्रेज गुटों का मनना है कि पहला तो ही दर्जा हासिल कर चुके भारतीय रुतबा जमा चुके भारतीय इतने होर मजबूत हो रहे हैं। इस कारण भारतीय विरुद्ध नफरती अपराध यानी हेट क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। अक्सर जिमें असी हूँ लगातार कोई ना कोई भारतीयों नाल वापर रहे हादसों बारे सुन रहे हैं, तो दस दिए ब्रिटिश पुलिस के अनुसार मार्च 2022 तो मार्च 2023 तक भारतीयों के खिलाफ हूँ तक नफरती अपराध के 58,557 मामले सामने आए हैं। जिमें असी तुहानू दस्सिया गोरे कट्टरपंथी की सोचते हैं, और सोचते हैं कि ब्रिटिश ता ही कहलाए जाएंगे जे गोरे होंगे। हैरानी वाली गल है कि इदा की सोच हजे भी कई थावां ते कायम है। इतने जिक्रयोग है कि ब्रिटेन की गृह मंत्री भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन है। इसके बावजूद भारतीयों विरुद्ध हेट क्राइम के मामलों पर और रोक नहीं लगा पाई। इसका वड्डा कारण है कंजरवेटिव पार्टी वालों प्रवासियों विरुद्ध शुरू कीतियां सख्त नीतियां। सरकार वालों ब्रैगजिट के समर्थन कारण प्रवासियों को इत्थे आसानी नाल वसन नहीं दिता जा रहा। इस नाल गोरे कट्टरपंथी भारतीयों समेत होर एशियाई लोगों का विरोध करते हैं। नाल ही तुहानू दस दिए वेल्स सरकार ने नफरत अपराधों को रोकने लिए नफरत अपराध विरोधी सिखलाई लिए एक वखरा फंड बनाया है। इस राही सरकार मकान मालकों नफरती अपराधों नाल नजिठण लिए सिखलाई देगी, पर ब्रिटिश सरकार ने अजे तक अजिहा कोई कदम भी नहीं चुकया है।